हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का टेक्नो गुरुदेव यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे अभी पूरे नहीं हुए हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में आपको एक छोटा सा डाउट क्लियर करने वाला हूँ जो कि सभी नए यूट्यूबर के माइंड में हमेशा घूमता रहता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए टेक्नो गुरुदेव यूट्यूब चैनल को और सबसे नए वीडियो देखने के लिए बगल में घंटा पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कीजिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे वॉच टाइम पूरे करने के लिए यूट्यूब हमको कितना समय देता है और हमको कितने दिन में पूरा करना होता है, और अगर हमारे कुछ सब्सक्राइबर और वॉच टाइम पूरे हो चुके हैं तो हम कैसे पता करें कि और कितने दिन हमारे पास बचे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो आप जो है अगर चैनल के डेस्कटॉप मोड में जाकर वहां पर मोनेटाइजेशन के सेक्शन में जाते हैं तो वहां पर जो क्लियर दिखता है कि 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे पूरे होने में आपको कितने सब्सक्राइबर और कितने वॉच टाइम चाहिए, तो आप वहां पर जाकर जो हमेशा चेक करते रहें, वहां से जो है आप बहुत ही आसानी से क्लियर कर सकते हैं कि आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे पूरे होने के लिए अभी कितने सब्सक्राइबर और कितने वॉच टाइम की कमी है। तो वहां से आप क्लियर कर सकते हैं और वहां पर एक नोटिफाई का जो है बटन रहता है उसको अगर आप क्लिक कर देंगे तो आपके चैनल पर जैसे 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे वॉच टाइम पूरे होते हैं आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप जो है अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं उसी समय। तो ये रहा दोस्तों कि आप जो डेस्कटॉप मोड में जाकर अपने चैनल के जो है मोनेटाइजेशन सेक्शन में जाकर वहां पर पता कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, बहुत लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज है कि जिस दिन से हम अपना चैनल बनाते हैं उस दिन से लेकर 1 साल के अंदर ही हमको 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे वॉच टाइम पूरा करने होते हैं, अन्यथा हमारा चैनल खराब हो जाएगा, हमारा चैनल जो है मोनेटाइज नहीं होगा अगर 1 साल के अंदर जो है चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे वॉच टाइम पूरे नहीं होते हैं। तो मैं आपको बता दोस्तों कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके भी दिमाग में ऐसा कंफ्यूजन बना हुआ है तो इसको निकाल दीजिए कि जिस दिन से हम चैनल बनाते हैं उसके 1 साल के अंदर, जिस दिन से चैनल बनाते हैं और 1 साल का पीरियड जो होता है उसी में 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे वॉच टाइम पूरा नहीं हुआ तो चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत लोग करते क्या है कि जिस दिन से चैनल बनाते हैं उसी दिन से जो है 1 साल जोड़कर जो है 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे वॉच टाइम पूरे करने की कोशिश करते हैं और जब नहीं पूरा होता है तो वो चैनल सोचते हैं कि बेकार हो गया, चैनल को डिलीट कर देते हैं। ऐसे में आप बहुत ही बड़ी गलती करते हैं और आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। अब आप कहेंगे दोस्तों कि तब सर YouTube क्यों कहता है कि 1 साल के अंदर ही 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे वॉच टाइम आपके चैनल पर पूरे होंगे तभी हम मोनेटाइजेशन को इनेबल करेंगे। तो मैं आपको बताऊं दोस्तों कि YouTube कहता है जरूर है, लेकिन वो जो समय रहता है वो जिस दिन से चैनल बनाते हैं वो समय के लिए नहीं कहता है। YouTube ये कहता है कि आपके चैनल पर लास्ट 12 मंथ में 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे वॉच टाइम पूरे होने चाहिए, वो किसी भी साल में हो सकते हैं। दोस्तों, इसको मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा, आई होप कि आपका डाउट क्लियर जरूर होगा। तो मान लीजिए दोस्तों कि मैंने 2020 में YouTube चैनल बनाया, 1 जनवरी 2020 को मैंने YouTube चैनल बनाया। अगर आपके हिसाब से देखा जाए तो 1 जनवरी 2020 को जो चैनल बना होगा उसका वॉच टाइम हमको जो है 31 दिसंबर तक जो है पूरा करना होगा। 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे वॉच टाइम हमको जो है 31 दिसंबर 2020 तक जो है कंप्लीट करना होगा, तो 1 साल तो ये पीरियड हो गया। लेकिन दोस्तों, YouTube के अनुसार क्या होता है कि जो 2020 में चैनल बना है, 1 जनवरी 2020 को जो चैनल बना है, अगर उस चैनल पर 2020 में केवल 500 सब्सक्राइबर 2000 घंटे वॉच टाइम ही पूरे हुए तो आप यहां पर घबरा जाते हैं कि चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। लेकिन YouTube के अनुसार ऐसा नहीं है, YouTube का कहना है कि लास्ट 12 मंथ में पूरे करने हैं। अब मैं आपको बताऊं दोस्तों कि मान लीजिए कि हमने जो है जनवरी में जो चैनल बनाया था उस पर हमने जो है अप्रैल तक काम किया और अप्रैल तक जो है बहुत ही कम वॉच टाइम कंप्लीट हुआ और अप्रैल 2020 के बाद जो हमारे वीडियो वायरल होना स्टार्ट हो गए, तो अप्रैल का जो वॉच टाइम हमारे वीडियो से मिले होंगे वो वॉच टाइम जो है हमारे 2021 जो आएगा उसके अप्रैल तक काउंट होगा। मतलब जब हमारी वीडियो वायरल होना स्टार्ट होती हैं उस दिन से लेकर 1 साल जो आएगा उस दिन तक का हम जो है वॉच टाइम देखते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से जो अप्रैल के वीडियो वायरल हुए थे वो अप्रैल का जो वॉच टाइम होगा वो 2021 के अप्रैल तक 1 साल तक जो है काउंट किया जाएगा। तो दोस्तों, यहीं पर जो है बहुत लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि अगर जिस दिन से चैनल बना है उस दिन से लेकर 1 साल के अंदर 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे वॉच टाइम पूरे नहीं हुए तो हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको यही कहने वाला हूँ कि अगर 2020 में आपके 500 सब्सक्राइबर और 2000 घंटे वॉच टाइम पूरे होते हैं तो आपका जिस दिन से वीडियो वायरल होगा, मान लीजिए अप्रैल में वीडियो वायरल हुआ तो अप्रैल से आप वॉच टाइम काउंट करना स्टार्ट करेंगे, तो अब आपको जो है अप्रैल 2021 तक जो है वीडियो को वायरल करने का चांस रहेगा। अगर उस वॉच टाइम के थ्रू जो है आप 4000 घंटे पूरा करना चाहते हैं तो जिस दिन से आपकी वीडियो वायरल हुई थी 2020 में उस महीने को लेकर दोस्तों आप 2021
2021 में अपने वीडियो में अगर मेहनत करते हैं और आपकी वीडियो जो है वायरल होकर 4000 घंटे वॉच टाइम पूरे कर लेती है तो आपका लास्ट 12 मंथ में 4000 घंटे कंप्लीट हो जाएंगे। अप्रैल 2020 से लेकर अप्रैल 2021 तक जो है आपके अगर 4000 घंटे पूरे हो जाते हैं तो भी आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि सब्सक्राइबर के लिए भी क्या 1 साल जरूरी है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आपके चैनल पर लास्ट 12 महीने में 4000 घंटे वॉच टाइम पूरे होते हैं तो उस दिन जिस दिन आपके 4000 घंटे वॉच टाइम पूरे होते हैं उस समय जो है आपके चैनल पर सब्सक्राइबर जो है 1000 होने चाहिए। भले ही सब्सक्राइबर आपके किसी भी साल में पूरे हों लेकिन जब आपके 4000 घंटे वॉच टाइम पूरे हों तो आपके चैनल पर कम से कम 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए। 1000 सब्सक्राइबर से कम होगा तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। मतलब 1000 सब्सक्राइबर के ऊपर तो हो सकते हैं लेकिन कम से कम आपके 1000 सब्सक्राइबर जरूर होने चाहिए जब आपके वॉच टाइम जो है 4000 घंटे पूरे होते हैं तब। और अगर आपका वॉच टाइम दोस्तों 2020 में कंप्लीट नहीं होता है तो आप उसको 2021 में भी कंप्लीट कर सकते हैं। बस आपको करना यह है कि जैसे जैसे आपका 2021 का एक एक महीना आता रहेगा वो आपका 2020 का एक एक महीना जो है जाता रहेगा। केवल 12 महीने ही आपको देखने हैं। मान लीजिए कि इस टाइम जो है मई चल रहा है तो मई से लेकर जो है 2020 का जो मई रहेगा उसी के बीच में हमको जो है देखना है कि हमारे जो है 4000 घंटे वॉच टाइम पूरे हुए नहीं। जून आ जाएगा तो जून 2021 से लेकर जून 2020 का ही डेटा हमको चेक करना है कि हमारे 4000 घंटे वॉच टाइम पूरे हुए नहीं। उसके पहले का डेटा जो है YouTube हटा देता है, वॉच टाइम में काउंट नहीं करता है। तो केवल 4000 घंटे वॉच टाइम पूरे करने होते हैं लास्ट 12 महीने में। जैसे हमारा एक महीना आगे आएगा पीछे का साल का एक महीना जो है पीछे चला जाएगा, उसका वॉच टाइम अगर 4000 घंटे में ऐड रहेगा तो वो वॉच टाइम भी हट जाएगा। मतलब दोस्तों आगे आने वाले महीने के वॉच टाइम ऐड होते रहेंगे और 12 महीने के बाद वाले महीने का वॉच टाइम जो है वॉच टाइम में से घटता रहेगा। और जब हमारे चैनल पर 4000 घंटे वॉच टाइम पूरे होते हैं उस समय जो है हमारे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने चाहिए। 1000 सब्सक्राइबर में से आपके सब्सक्राइबर नहीं घटते हैं वॉच टाइम की तरह। तो दोस्तों चैनल पर सब्सक्राइबर की संख्या 1000 होने के बाद सब्सक्राइबर जो है वॉच टाइम की तरह घटते नहीं है। सब्सक्राइबर फिक्स्ड हो जाते हैं, 1000 सब्सक्राइबर वो बने ही रहेंगे लेकिन जो आपका वॉच टाइम रहेगा वो जैसे जैसे आप 1 साल के बाद 1-1 महीना आगे जाने लगेंगे वो आपका पीछे का 1-1 महीना का वॉच टाइम जो है उसमें से घटाता रहेगा। तो अगर आप जून में जाते हैं तो आपको जून से लेकर 2020 के जून तक जो है 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे वॉच टाइम पूरे होने चाहिए। और अगर आप जुलाई के महीने में जाते हैं तो जुलाई 2021 से लेकर जुलाई 2020 का जो वॉच टाइम रहेगा वो चेक करना होगा। उसी के बीच में अगर आपके 4000 घंटे वॉच टाइम पूरे होते हैं तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। सीधा सीधा मेरे कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जिस दिन से चैनल बनता है उस दिन से लेकर अगर 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे वॉच टाइम आपके 1 साल में पूरे होते हैं तो भी सही है, नहीं भी होते हैं तो भी आप उसको आगे के महीनों में जो है कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों एक बात यहाँ पर आपको यह ध्यान देनी है कि जिस महीने की वीडियो वायरल हुई रहती है उस महीने का डेटा अगर आप काउंट करना चाहते हैं तो आपको उस महीने से लेकर 1 साल के अंदर ही वॉच टाइम कंप्लीट करने होंगे। मान लीजिए दोस्तों कि 2020 में अप्रैल के महीने में हमारी कुछ वीडियो वायरल हुई और उससे जो हमारे चैनल पर 2000 घंटे वॉच टाइम आ गए तो अगर हम उस 2000 घंटे में चाहते हैं कि और 2000 घंटे वॉच टाइम जोड़ दें तो उसके लिए जो है हमारे पास जो समय रहेगा वो अप्रैल 2021 तक का रहेगा। अप्रैल 2021 तक दोस्तों अगर हम 2000 घंटे और भी कंप्लीट कर लेते हैं, धीरे धीरे ही कंप्लीट करेंगे लेकिन कर लेते हैं तो हमारा जो है चैनल पर 1 साल के अंदर लास्ट 12 मंथ के अंदर जो है 4000 घंटे वॉच टाइम इस तरह से पूरे हो जाते हैं और हम अपने चैनल को जो है मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सब्सक्राइबर के दोस्तों सिर्फ एक ही नियम है कि जिस दिन हमारा लास्ट 12 मंथ में 4000 घंटे वॉच टाइम काउंट हो जाते हैं उस दिन हमारे चैनल पर कम से कम 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए, तभी चैनल मोनेटाइज होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। बहुत लोग को डाउट था कि जिस दिन से हम चैनल बनाते हैं उसी दिन से लेकर 1 साल के अंदर 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे वॉच टाइम पूरे करने होते हैं। अगर हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसे आपका 1 साल पूरा होता है आप जैसे 1-1 महीना आगे बढ़ते जाएंगे आपका पीछे का 1-1 महीना जो है निकलता जाएगा। तो इस वजह से दोस्तों आपको 1 साल जो है हमेशा आगे मिलता रहता है और उस 12 महीने में जिस दिन आपको चेक करना, मतलब प्रेजेंट डेट में आज चेक करें तो आज से लेकर लास्ट 12 महीने में ही आपको चेक करना है कि आपके कितने वॉच टाइम पूरे हुए हैं। उसके पहले का जो वॉच टाइम रहेगा वो वॉच टाइम काउंट नहीं करना है। मतलब आज के दिन से लास्ट 12 महीने, मतलब आज जो है मई चल रहा है तो हमको जो है मई 2020 तक का ही डेटा देखना है, अप्रैल का डेटा जो है छोड़ देना है। तो इस वजह से दोस्तों लास्ट 12 महीने में 4000 घंटे वॉच टाइम पूरे करने होते हैं और जब हमारे चैनल पर 4000 घंटे वॉच टाइम लास्ट 12 महीने में पूरे होते हैं उस समय हमारे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर होने जरूरी है और हम अपने चैनल को बहुत ही आसानी से मोनेटाइज कर सकते हैं। दोस्तों इस टॉपिक को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है नए यूट्यूबर के माइंड में, वो लोग जो है 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे वॉच टाइम 1 साल में पूरे नहीं कर पाते हैं और हार मानकर जो है अपने चैनल को डिलीट कर देते हैं। तो चैनल को डिलीट मत कीजिए, अगर आपके कुछ सब्सक्राइबर और वॉच टाइम हो चुके हैं तो आप उसको आगे कंटिन्यू कीजिए क्योंकि आगे जैसे आप बढ़ते जाएंगे आपकी वीडियो वायरल होती जाएंगी, क्योंकि जैसे जैसे सब्सक्राइबर आएंगे जैसे जैसे हमारी वीडियो सर्च रैंक में जाएंगी वैसे हमारी वीडियो वायरल भी होती है और हमारे चैनल पर लास्ट 12
मंथ में अगर 4000 घंटे वॉच टाइम पूरे हो जाते हैं और 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाते हैं तो हम अपने चैनल को मोनेटाइज कर सकते हैं। तो इस टॉपिक को लेकर दोस्तों नए यूट्यूबर के माइंड में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था, बहुत ज्यादा कमेंट भी आ रहा था, तो मुझे लगा कि इस टॉपिक को क्लियर करना चाहिए। मुझसे जितना हो सका मैंने आसान भाषा में क्लियर करने की कोशिश किया है, अगर फिर भी क्लियर नहीं हुआ तो प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों यूट्यूब से रिलेटेड कोई भी हेल्प डायरेक्टली पाने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, टेक्नो गुरुदेव जो है मेरा इंस्टाग्राम का यूजर आईडी है, वहां पर मुझे फॉलो कीजिए, डीएम कीजिए, मैं आपके डीएम का पूरा जो है रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा दबाकर ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।